हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आप सबका हमारे चैनल सपना की छोटी सी दुनिया में स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज है 3 मई और मैं 3 मई से स्टार्ट कर रही हूँ ब्लॉग अपना, क्योंकि शादी के बाद कोई ब्लॉग वगैरह नहीं डाला था और एक दिन तो सिर्फ आराम करने में बीत गया। और इसके बाद ढेर सारे कपड़े भी धोए थे। तो फ्रेंड्स, इसका वीडियो कुछ भी बनाया नहीं था और 2 दिन वीडियो मैंने नहीं बनाई, 2 दिन पूरा आराम की हमने। और यहाँ का पानी, उधर का पानी, जो पानी पी ना तो थोड़ा सा सर्दी हो गई है और कुछ नहीं है। और रोज़ काढ़ा पीती हूँ और काढ़ा भी पीती हूँ और गर्म पानी पीती हूँ। वैसे तो करोना वायरस बहुत फैला हुआ है। उस बार जो लॉकडाउन हुआ था ना तो उस टाइम करोना हम सभी परिवार को हो गया था, मेरे पारा पारी सब परिवार को हुआ था। तो हम लोगों ने गर्म पानी और काढ़ा से ही ठीक की थी, तो इसलिए डरने की बात कुछ भी नहीं है करोना से, क्योंकि ये बीमारी स्वस्थ लोगों को नहीं होती है। हाँ, थोड़े बीमार हैं, जैसे कि कुछ ऐसा बीमारी है शरीर में, उसके लिए थोड़ा प्रॉब्लम होगा, लेकिन जिसका स्वस्थ शरीर है ना उसको कुछ नहीं होता है। सिर्फ बुखार और दर्द और थोड़ा स्मेल चला जाता है, बस इतना ही। 10 दिनों के अंदर पूरा कम ठीक हो जाता है मरीज, 10-15 दिन। मुझे तो 10 या 15 दिन यही लगा था ठीक होने में और पूरा ठीक हो गई थी मैं। थोड़ा थोड़ा स्मेल भी आने लगता है, फिर जिस तरह से स्मेल चला जाता है उसी तरह से वापस भी आ जाता है। तो डरने वाली कोई बात नहीं है, और कोरोना वायरस जिसका हुआ है, हो गया है, उसका फिर से हो सकता है, पर उतनी नहीं होगा, हो सकता है। तो अपना ध्यान रखें और अपना ख्याल रखें, अपने बच्चे परिवार का ख्याल रखें। तो फ्रेंड्स, अभी है दोपहर का टाइम है और हेल्दी चीज़ें खाएं, यही है हेल्दी चीज़ें खाएं, काढ़ा जरूर पिए, रोज़ ही काढ़ा बनाकर ज़रूर पिए और गर्म पानी तो रोज डेली पिए, क्योंकि गर्म पानी और काढ़ा से ही ये करोना थोड़ा कम होगा और हमारे अंदर ताकत बनी रहेगी लड़ने की। तो फ्रेंड्स, अभी बज रहा है 3 और मैं जा रही हूँ पोहा बनाऊंगी। दोपहर का खाना हम लोग का हो गया था, तो इसके बाद अभी 3 बज रहा है तो मैं अभी पोहा बनाऊंगी। तो चलते हैं, पोहा बनाती हूँ। अगर हमारा चैनल आपको अच्छा लगता हो, हमारा वीडियोस आपको अच्छा लगता है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर कर दें। और देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर बाहर कितना अच्छा मौसम किया हुआ है। 3 बज रहा है पर धूप यहाँ पर ख़त्म हो गया था। थोड़ा देर पहले तो धूप पूरा कड़ा था, लेकिन अभी हवाएं चलने लगी, लगता है कि पानी बरसेगा, पर बरसा नहीं था, लेकिन जोरों का हवा सिर्फ चला था। ये देखिए मौसम कितना बदल रहा है, देखिए है ना, कितना सुंदर लग रहा है मौसम किया हुआ है। और ये मेरा अमरूद है, पेड़ पौधे मेरा कितना अच्छा लगता है ना। तो जा रही हूँ पोहा बनाऊँगी और देखिए यहाँ पर बर्तन मांजने लगी, तो थोड़ा सा बर्तन सिंक में था तो सोचा कि पहले बर्तन को साफ़ कर लेती हूँ, इसके बाद पोहा बनाऊँगी। तो फ्रेंड, थोड़ी सी अपनी बात आपको बताई थी, जो मुझे करोना वायरस हुआ था तो किस तरह से मैंने ठीक की है। तो फ्रेंड्स, इसलिए शेयर आप लोगों से की हूँ कि उन लोगों को की हूँ जो बहुत घबरा जाते हैं करोना वायरस को लेकर, और घबराने के चक्कर में ही ज़्यादा नुकसान भी हो जाता है। तो इसलिए उन लोगों को मैं यही बताऊँगी कि कोई बड़ी ये नहीं है, अगर हम अपने खुद पर ध्यान देंगे तो ये सारा बीमारी ठीक हो जाता है, बहुत ही आसानी से ठीक होता है। तो घबराने वाली कोई बात ही नहीं है, बस इतना ही कहूँगी। और फ्रेंड्स, देखिए यहाँ पर मैं कढ़ाई चढ़ा दी हूँ और थोड़ा सा घी इसमें डाली हूँ, आप तेल भी डाल सकते हैं, घी हो तो घी भी डाल सकते हैं। और इसमें प्याज और हरी मिर्च काट कर डाला है और उसे अच्छी तरह से भून लूँगी और
इसके बाद इसमें मैं ये देखिए डाला है गोल की को हल्का दरदरा कर इसमें डाला है और फिर टमाटर कटा डाला है। तो फ्रेंड्स इसमें आप हरी सब्जियां मिला सकते हैं, मटर मिला सकते हैं और बादाम भी मिला सकते हैं। मैंने सिंपल सा ही बनाया है क्योंकि अभी मेरे पास ये सारी चीज़ें थी नहीं थी इस वक्त, इसलिए साधारण ही बनाई हूँ। थोड़ा सा हल्दी डाली हूँ इसमें और नमक डालूँगी, बस इतना ही डालकर मैंने बनाई थी साधारण। और ये देखिए पोहा मैंने पहले से भिंगो कर रख दी थी, तो इसको डाल देती हूँ और डालकर अच्छे से चला लूँगी और चलाने के बाद मेरा पोहा तैयार है। तो फ्रेंड्स बहुत ही सिंपल सा ये पोहा बनाई हूँ और अगर आप चाहो तो अच्छे से सारे सब्जियों को डालकर बना सकते हैं, बहुत ही अच्छी लगती है पोहा। तो फ्रेंड्स इसके बाद मैं खाने खा रही हूँ पोहा को और बच्चों को दे दी हूँ, बच्चे भी खा रहे हैं उधर, तो कैमरे के सामने थोड़ा नहीं आते हैं उतनी, तो थोड़ा मोड़ा ले लाती हूँ भी। अभी बज रहे हैं 7 और यहाँ पर मैं मसालों में ली हूँ अदरक, काले मिर्च, लहसुन जो मैं इसका पेस्ट बना लूँगी, और यहाँ पर 5 टमाटर ली हूँ और प्याज कटा ली हूँ। तो फ्रेंड्स मैं बनाने जा रही हूँ आज चना की सब्जी चावल रोटी। तो रात के समय है तो सोच रहे होंगे कि चावल, तो मेरे यहाँ चावल नहीं बनती है रात में उतनी, लेकिन मन करता है तब बना लेती हूँ। तो आज बच्चों का मन था कि चना की सब्जी और चावल खाने का, तो मैंने सब्जी चावल और रोटी भी बना दी। कि हस्बैंड बोल रहे थे कि रोटी बनाने के लिए, वो उनको रोटी भी खाना मतलब रोटी भी खाना था, तो मैं वो तीनों ही चीज़ बना दी हूँ। और यहाँ देखिए मैंने यहाँ पर चढ़ा रखा है एक तरफ चावल और एक तरफ मैंने चढ़ा रखा है कुकर। तो आज कुकर में ही चना बनाऊँगी क्योंकि फ्रेंड चना मैंने उबाला नहीं था, इसलिए मैं कुकर में ही बनाऊँगी। और यहाँ पर मैंने 5 फोरन डाला है तेल में और मिर्च, हरी मिर्च और प्याज कटा डाली हूँ। और इसके बाद मैंने थोड़ा सा हल्का भून दी हूँ और भूनने के बाद इसमें टमाटर डाली हूँ और इसमें हाँ तेज पत्ता भी डाली थी। और इसके बाद अच्छी तरीके से इसे भून लूँगी और भूनने के बाद इसमें मैं 1 चम्मच नमक डालूँगी, स्वाद अनुसार डालना है नमक इसमें। और नमक डालने के बाद इसे अच्छी तरह से भून लूँगी और भून जाने के बाद इसमें मैं जो मसाले पीसी हुई थी मैंने पीस रखा था उसे भी इसमें डाल दूँगी। और डालने के बाद इसमें 1/2 चम्मच हल्दी, धनिया पाउडर 1 चम्मच और डालकर इसे अच्छी तरह से भून लूँगी। इसमें गरम मसाला भी डाल सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है। और हरी धनिया नहीं थी मेरे पास तो हरी धनिया भी नहीं डाली हूँ इसमें, जो था मेरे घर में उसी चीज़ से मैंने ये सब्ज़ी बनाई हूँ और टेस्टी भी लगी थी मेरी सब्ज़ी ये चना का। और चना का सब्ज़ी बहुत फ़ायदेमंद है, इसलिए चना का सब्ज़ी हफ्ते में एक बार तो खानी ही चाहिए हम लोगों को। तो यहाँ पर देखिए चना मैंने डाल दी हूँ और एक तरफ मेरा चावल पक रहा है और एक तरफ मेरा चना की सब्ज़ी तैयार हो जाएगी। और मेरा देखिए यहाँ पर चावल हो गई है और पानी मैं डाल देती हूँ और डालने के बाद इसे ढक्कन लगाकर 4 सीटी लगा दूँगी क्योंकि उबाली नहीं थी मैंने चना को। तो इस तरह से मैं बनाऊँगी, 4 सीटी लगा दूँगी इसमें तो पक जाएगा पूरी अच्छी तरह से चना। और इसके बाद मैं एक तरफ चढ़ा हुआ है चना की सब्ज़ी और यहाँ पर रोटी एक तरफ बना लेती हूँ।
तो फ्रेंड्स यहाँ पर मेरा तैयार हो गया है चावल, सब्जी, रोटी। तो आज का यही खाना है हम लोगों का। तो फ्रेंड्स आ जाइए, आप लोग भी खा लीजिए। दे देती हूँ बच्चों को, हस्बैंड को, और ख़ुद भी खा लूँगी। तो फ्रेंड्स आज का वीडियो यहीं तक था। अगले वीडियो में हम फिर मिलते हैं। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।